अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी सीमाज लजीज़ फूड में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टिफ़िन स्पेशल रेसिपी। तो टिफ़िन स्पेशल रेसिपी है पराठों की, और पराठे जो बने हैं वेजिटेबल से बने हैं। माएँ परेशान होती है कि बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते हैं, तो उन्हें किस तरह से हम वेजिटेबल खिलाएं। तो आज के जो पराठे हमारे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है, जिसमें मैंने वेजिटेबल से बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी होंगे और बहुत कम मसालों में हम इसे आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं किस तरीके से टिफ़िन स्पेशल पराठे हम बनाएंगे। तो मैंने गाजर, शिमला मिर्च, मोठ मूंग और लौकी किसी भी, और जो है ये शिमला मिर्च है मेरे पास, बीट को हमने यूज़ किया है, बीट को पीस के मिक्सी जार में, पनीर का यूज़ किया है, साथ ही में मैंने पालक का भी यूज़ किया है। तो पालक को हम कैसे पराठों में यूज़ करेंगे, मोठ को कैसे यूज़ करेंगे, तो उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि सारी चीज़ों को हम पराठे के ज़रिए बच्चों को कैसे खिला सकते हैं। पनीर को मैंने ग्रेट किया हुआ है, तो चलिए बारी बारी से सारे पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पालक पनीर पराठा बना लेंगे। तो पालक पनीर पराठा बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, हम सारे पराठे गेहूँ के आटे में ही बनाएंगे। तो देखिए पालक पनीर पराठे के लिए मैंने पालक के पत्तों को धो के साफ़ कर लिया है और बारीक बारीक इसे काट लिया है। साथ ही में पनीर को मैंने ग्रेट किया है पनीर ग्रेटर से, पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है, और अब मैंने आटे में पालक में पनीर को ऐड कर दिया है। और मसाले हम बहुत ही कम लेंगे क्योंकि टिफ़िन का टाइम बहुत कम होता है सुबह का जल्दी जल्दी में, तो उस तरीके से ही हम पराठे बनाएंगे। तो मैंने रेड चिली फ्लेक्स मिलाया है, चिली फ्लेक्स आपको अगर जितना आप तेज़ खाते हैं, तीखा, बच्चा छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से, और ये मैगी मसाला मैंने 1 टीस्पून, और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। मैगी मसाले में भी नमक होता है इसलिए हमने नमक को कम डाला है। तीन ही चीज़ें हमने इसमें ऐड की है, मैगी मसाला, चिली फ्लेक्स और नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे, जिस तरह से हम डेली मेयर चपाती का आटा भिगाते हैं, बस उसी तरह से हमें ये पालक पनीर पराठे का आटा भी भिगाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं डो बना लूँगी, और डो बना के हम साइड में रख लेंगे। सबसे पहले मैं सारे डो बना लूँगी, फिर बारी बारी से हम पराठे बनाएंगे। तो ये पालक पनीर पराठे का डो बनके तैयार है इस तरह से, इसको मैं साइड में रख दूँगी, और अब आगे का प्रोसेस करेंगे हम। तो आगे हमें क्या करना है, दूसरा पराठा जो बनाना है तो वो बनाते हैं हम। पालक पनीर का डो हमने साइड में रख दिया है, और ये किसी हुई लौकी ले लिया है मैंने, लौकी को धोकर साफ़ कर लिया है, उसके बाद इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, खोपरा किसनी से कीस लिया है, इस तरीके से हमने लौकी को कीस लिया है। तो लौकी का पराठा हम बनाने जा रहे हैं, लौकी को मैंने ले लिया है बर्तन में, इसी के साथ मैं गेहूं का आटा भी ऐड कर दूंगी। लौकी में हमने गेहूं का आटा डाला है, 1 बड़ी कटोरी लौकी है और 1 बड़ी कटोरी इसमें आटा है। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। तो मसाले तो बहुत ही सिंपल मैंने बताया है आपको, मैगी मसाला लिया है हमने 1 टीस्पून, अच्छा भरपूर डालिए, इसी में सारे फ्लेवर मिक्स होते हैं। साथ ही में हमने चिली फ्लेक्स डाला है, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है हमने, हरा धनिया आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो हरा धनिया डालने के बाद ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसका भी हम डो बना लेंगे। तो जो लौकी हमने ग्रेट करके रखा था उसमें बहुत मॉइस्चर था, मतलब लौकी किसी भी जो है उसमें पानी बहुत था, तो थोड़ा थोड़ा देख के डालिए, ज़्यादा पानी की अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी में ही इसका भी डो बनाना है। तो लौकी के पराठे इस तरह से बनेंगे। तो लौकी के पराठे का डो बन गया है, अब ये जो डो बना है इसे मैं साइड में कर दूंगी। अब हम चीज़ पराठा बनाएंगे। तो चीज़ पराठा बनाने के लिए हमने क्या किया है, जो शिमला मिर्च है उसे भी मैंने खोपरा किसनी से इस तरह से कीस लिया है ग्रेटर से, और ये ग्रेटर से मैंने अपना गाजर को भी कीस लिया है। तो गाजर, शिमला मिर्च दोनों किसी भी हमने ले लिया है। साथ में मैं इसमें भी गेहूँ का आटा ऐड कर दूंगी। तो हमने गेहूँ का आटा इसमें ऐड कर दिया है। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड कर दूंगी। तो मसाले में मैं आपको बता दूं कि मसाले में इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, ये मिक्स हर्ब्स जो आता है ये मार्केट में किराना शॉप में आसानी से मिल जाता है, मिक्स हर्ब्स हमने इसमें डाला है। साथ में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, और इसी के साथ हम इसमें मैगी का मसाला ऐड कर देंगे। तो 1 टीस्पून हमने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है, और टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जिस तरह से हमने पहले डो बनाए बस उसी तरह से इसका भी डो बनाना है। अगर बच्चा छोटा है तो आप चिली फ्लेक्स कम डालिए, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और तीखा खाना पसंद करता है तो आप चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने जो तरीका बताया पराठे के, तो वो इस तरीके से इसलिए बताया है क्योंकि सुबह का टाइम में शॉर्ट तरीके से ये पराठे आसानी से बन जाते हैं। तो बस इसे भी भिगा लीजिए, और भिगाने के बाद चीज़ पराठे का जो डो है वो भी हमने तैयार कर लिया है।
चीज़ पराठे के डो में आप देखिए शिमला मिर्च हमने ऐड की है, बच्चे शिमला मिर्च लौकी वगैरह खाने नहीं करते हैं तो इस तरीके से खा सकते हैं। अब हम बीट का पराठा बना रहे, तो मैंने ये बीट लिया था, इसे मैंने छिल के साफ़ कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लिया है, स्मूथ सा इसका पेस्ट बन गया है। अब हम बीट का पराठा बनाने जा रहे हैं, तो बीट को पीसे हुए बीट को हमने ले लिया है बर्तन में। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी गेहूँ वाला आटा, तो गेहूँ का आटा हमने ले लिया है और आटे को मैं इसमें डाल दूँगी। बीट के साथ हमने आटे को ऐड कर दिया है, इसी के साथ इसमें सारे मसाले भी हम ऐड कर देंगे। तो मसालों में हमने क्या लिया है, जो ही रेगुलर हम भी कंटिन्यू मैं लेते हुए आ रही हूँ, मैगी का मसाला, हरा धनिया वगैरह। तो बीट के साथ आटा, उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला और एक टीस्पून मैगी का मसाला डाला। हम क्वांटिटी कम रख रहे हैं इसलिए मैगी का मसाला कम डाला है हमने, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मैगी का मसाला भी बढ़ा देंगे। साथ ही में चिली फ्लेक्स और नमक भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पनीर किसा हुआ, जो हमने पनीर लिया था वो पनीर मैंने इसमें एक टीस्पून मिला दिया है। एक टीस्पून पनीर मिलाया है और जो आटा था एक कटोरी है और एक कटोरी पिसा हुआ बीट था। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसका मिक्सचर थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा क्योंकि बीट का कलर रेड आता है, तो आटा भी हमारा जो गूंदा हुआ है वो पूरा रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेड कलर इसका आ रहा है, बस इसी तरह से इसका डो बन जाएगा रेड कलर का। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने डो तैयार कर लिया है, इस डो को भी हम साइड में कर देंगे। अब हम आगे आलू का पराठा बनाएंगे। तो देखिए रेड कलर आया है, बहुत प्यारा सा कलर दिख रहा है इसका, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। आलू का पराठा जो हमने बनाया है, मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किया और उसे हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसका पराठा हम किस तरह से बनाएंगे, आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने कटा हुआ इसमें समार डाला है, कुरियंडर जो है कटा हुआ, साथ ही मैं इसमें एक बड़ा चम्मच मैगी का मसाला ऐड किया है और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स मिलाया है। साथ में मैं इसके नमक ऐड कर दूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है क्योंकि मैगी मसाले में नमक ऑलरेडी होता है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें आटा मिक्स कर देंगे। तो गेहूं का आटा मैं इसमें मिला देती हूं आलू के साथ और हाथों की मदद से इसे भी अच्छे से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसका भी डो बना लीजिए। तो ये बहुत ही झटपट और ईजी से बन जाते हैं पराठे क्योंकि इसमें स्टफिंग नहीं करना होता है, हम वेजिटेबल और आलू वगैरह के साथ ही आटे को मिक्स करके पराठा बना रहे हैं। तो वैसे तो पराठे कई तरीके से बनते हैं मगर हम टिफ़िन स्पेशल बना रहे हैं, इस तरीके से बनाना है आपको, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये वाले पराठे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आलू वाले पराठे का भी डो बना रही हूँ और इस तरह से आलू पराठे का डो भी तैयार हो जाएगा, इसे हम साइड में कर देंगे। तो पराठे का डो अच्छे से सॉफ्ट सा तैयार हो गया है और अब हम पराठे बनाएंगे मूंग वाला। तो मूंग और मोट को मैंने भिगाया था, इसमें बहुत काफ़ी प्रोटीन होता है, रात में मैंने भिगा कर रखा था मूंग को और मोट को, तो ये भिग के फूल गई, इस तरह से तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्सी जार में डाल के दरदरा सा पीसना है, एकदम चिकना पेस्ट नहीं करना है। तो मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया है मूंग और मोट को, साबित मूंग और साबित मोट है ये, जिसे मैंने रात में भिगाया था, और ये पीस के इस तरह से इसका पेस्ट बनाया है हमने दरदरा सा। आप देख सकते हैं मैंने बहुत चिकना नहीं किया, हल्का दरदरा पेस्ट है ये। अब इसमें मैं मसाले और आटा मिक्स करूँगी। तो मसाले में मैंने वही चिल्ली फ्लेक्स लिया है और साथ ही में मैंने मैगी मसाला लिया है एक टीस्पून। उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक और हरा धनिया। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने डाल दिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है टेस्ट में और ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ मैंने इसमें आटा मिक्स कर दिया, आटे की क्वांटिटी इसमें मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि सारा फ्लेवर और सारा मज़ा इसका मूंग दाल और मोट से आएगा। तो बस हाथों की मदद से इसका भी डो बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इस तरह से इसका सॉफ्ट सा डो बनाया है। और ये जो बारीक बारीक दिख रहे हैं ये मूंग और मोट के बारीक टुकड़े हैं क्योंकि हमने दरदरा सा पीसा था। अब पराठा बनाना हम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले मैंने पालक पनीर पराठे का डो लिया था, तो एक आटे का बॉल बना लिया है हमने और हम पराठा बेलने जा रहे हैं। हाथों की मदद से हमने सूखा आटा लगा के पराठा बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम पालक पनीर का डो बनाया था, मैंने पालक पनीर पराठा बना लिया है। तो पालक पनीर पराठा बनाने के बाद इसे हम तवे पे या फ्राई पैन पे, या आपके पास डोसा वाला तवा है या जो भी एलुमिनियम का तवा है आप उस पर भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने एक पैन रखा है, उस पर फ्राई करने के लिए पालक पनीर पराठा डाला है और थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो एक साइड से जब पराठा पक जाए तो इसे पलट दीजिए दूसरे साइड से। तो इसी तरह से हम अपना पालक पनीर पराठा बनके तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड से मैंने इसे सेक लिया है और सेकने के बाद पराठा पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसे मैं साइड में कर दूंगी और दूसरा पराठा हम बनाने की तैयारी करेंगे। तो
दूसरा पराठा जो है हमने लौकी का लिया था, तो हम लौकी का पराठा बनाते सेम वही प्रोसेस से बनाना है जिस तरीके से हमने पालक पनीर पराठा बेला है। तो ये देखिए पालक पनीर पराठे के बाद मैंने लौकी का पराठा भी तैयार कर लिया है। इसे भी हम सेक देंगे तवे पे, धुएं वाला तवा गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। तो ये पराठा बेलने के बाद हम बीट का पराठा भी बना लेंगे। जब तक कि हमारा लौकी का पराठा तवे पे सिक रहा है, मैंने बीट का पराठा बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं बीट का पराठे का कलर रेड आया है, और ये जो साइड में हम लौकी का पराठा सेक रहे थे, तो लौकी का पराठा भी हमारा सेक के तैयार हो गया है। इसे भी हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के सेका है। अगर आप बटर डाल के या घी डाल के सेकना चाहते हैं तो आप उससे भी पराठे को सेक सकते हैं, मैंने ऑयल से सेका है। तो ये देखिए इस तरह से लौकी का पराठा तैयार हो गया है। इसे भी मैं साइड में कर दूंगी और हम बीट का पराठा सेक लेंगे। तो पराठे को जब मैंने तवे पर डाला है, पहले हल्का सा दोनों साइड से सेक लीजिए, उसके बाद इसमें ऑयल डालिए। पराठे को डालते से ऑयल नहीं डालना है, पहले हल्का सा इसे सेकना है, उसके बाद इसमें ऑयल को डालना है, तो पराठा बहुत अच्छे से सिक जाता है। बस दोनों साइड से इसे सेकना है, और दोनों साइड से जब सिक जाए तो इसे मैं तवे से बाहर निकाल लूँगी और हम दूसरे पराठे की तैयारी करेंगे। और बीट के पराठे को भी हमने तवे से बाहर निकाल दिया है। अब मैं आलू वाला पराठा बेल रही हूँ उसी तरह से जिस तरीके से सारे पराठे बेला है मैंने। तो आलू पराठा भी बनके तैयार है, इसे मैं तवे पर डाल दूँगी और उसी तरीके से सेकना है जैसे कि हमने सारे पराठे सेके हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के सेकना है, और दोनों साइड से जब सिक जाए तो आलू पराठे को भी मैं तवे से बाहर निकाल लूँगी। तो आलू पराठा बनके तैयार हो गया है, इसे मैंने साइड में कर दिया है। अब हम मूंग दाल का पराठा बना रहे हैं। जो मूंग दाल और मूड को हमने आटे के साथ भिगाया था, हम वो पराठा बना रहे हैं। मूंग दाल पराठा भी मैंने बेल लिया है, और इस तरह से आप पूरा हफ्ता भर बच्चों को इस तरह से पराठे दे सकते हैं, जिससे सारे वेजिटेबल मूंग दाल वगैरह भी प्रोटीन आपके बच्चे को मिल सकता है। तो मूंग दाल का पराठा जो है हमारा एक साइड से सिक चुका है, इसे मैंने पलट दिया है दूसरे साइड से पकाने के लिए। तो दोनों साइड से जब सिक जाए, अच्छा क्रिस्पी हो जाए, तो इस पराठे को हम बाहर निकाल देंगे तवे से अच्छी तरह से सेकने के बाद, और दूसरा पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। तो दोनों साइड से देखिए सिक रहा है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा और गोल्डन कलर आ जाए तो इसे हम निकाल देंगे तवे से बाहर। जब इसे सिक जाए तवे से बाहर निकाल देंगे। तो हम लास्ट वाला पराठा जो है हमारा चीज़ वाला है, हम इसकी तैयारी करेंगे। चीज़ वाले पराठे में मैंने गाजर और शिमला मिर्ची डाल के भिगाया था आटे में, तो उसका मैंने ऐसा बॉल ले लिया है बनाकर, और इसे आधा ही बेलना है अभी, क्योंकि हम इसमें चीज़ को स्टफ़ करेंगे। तो ये चीज़ क्यूब है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इसे ग्रेटर की मदद से मैंने ग्रेट कर लिया है। पराठे के अंदर इसे हम स्टफ़ करेंगे, और चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर से, और ये चीज़ ग्रेट किया हुआ इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ पराठे को पूरा पैक कर लेंगे ताकि चीज़ अंदर की तरफ हो जाए, बाहर ना निकले कहीं से भी। और पूरा पराठे को मैंने पैक कर लिया है, ऊपर का एक्स्ट्रा आटे को हम निकाल देंगे। और पूरा पैक करने के बाद इसे भी हम बेल लेंगे सूखा आटे लगा के, सूखे आटे की मदद से। तो मैंने सूखा आटा लगा लिया है इसमें, और सूखे आटे की मदद से मैं इसे बेल रही हूँ ताकि ये चिपके ना। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसे हल्का सा बेलना है। हल्का मोटा होगा ये पराठा, बहुत पतला नहीं होगा, क्योंकि इसमें चीज़ को हमने अंदर डाला है। तो डालने के बाद, बेलने के बाद इस तरह से पराठा तैयार हुआ है। अब हम इसे भी तवे पे सेक लेंगे हल्का सा। जब ये सिक जाए तो इसे ऑयल लगा के फ्राई कर लेंगे। तो पराठे को मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर, और फुल फ्लेम नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। हल्का सा पराठा सिक चुका है, अब मैं ऑयल डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के मैंने फ्राई किया है। एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो इसे पलट दीजिए दूसरे साइड से, जैसे कि हमने सारे पराठे सेके हैं। तो बस इसी तरह से हमारे पूरे पराठे जो है सिक चुके हैं, बन चुके हैं। इसी तरह से यही मेथड से आप कई वेजिटेबल के पराठे भी बच्चों के लिए बना सकते हैं, और बच्चे क्या, हम भी और सब कोई भी खा सकते हैं पराठे। बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी पराठे बने हैं। तो बस ये पराठा भी चीज़ वाला सिक चुका है, और इसे मैंने बाहर निकाल दिया है तवे से अच्छी तरह से सेक के। और इस तरह से देखिए कि सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। छः टाइप के पराठे हमने बनाए हैं, छः टाइप के पराठे तैयार हुए, बहुत मज़ेदार, बहुत उम्दा। इसे आप टिफ़िन में, ट्रैवल में, या ब्रेकफास्ट में जैसा चाहे वैसा आप खा सकते हैं। बीट वाला पराठा बीट की वजह से रेड कलर आया है, ये आलू वाला पराठा है, और ये जो है ये मूंग दाल का पराठा है, और ये पालक पनीर पराठा है, और ये जो बनाया था हमने ये लौकी का पराठा है। तो इस तरह से सारे मज़ेदार पराठे बनके तैयार हुए। तो मैं आपको बताऊँगी कि टिफ़िन में भी आप इसे दे सकते हैं किस तरह से। चीज़ वाला पराठा आप एक बार देख लीजिए, हमने जो चीज़ डाल के बनाया था, बहुत ही चीज़ी पराठा बनाया है ये, बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं। मैंने बिस्किट, टॉफ़ी रखा है, और ये पराठे रखा है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फ्रूट्स वगैरह भी टिफ़िन में रख सकते हैं। पेंड खजूर, डेट्स जो आती है वो भी आप डाल सकते हैं। उसके साथ मैंने ये चॉकलेट डाला है बच्चों के लिए,
और ये पराठे को मैंने डाला है। तो सब्ज़ी रोटी जैसे अलग से बच्चे नहीं खाने के लिए करते, तो इस तरह से उन्हें आप बना के दीजिए, बहुत मज़ेदार और बहुत उम्दा होंगे। टमाटो सॉस या चटनी के साथ खाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो इस तरह से हमारी टिफ़िन की रेसिपी आज बन के तैयार हुई। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।